अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये गपशप पार्ट टाइम जिसमें मैं आपके साथ हज और उमरा के बारे में बात करने वाला हूँ। एज यू गाइस नो कि इस वक्त कोरोना वायरस ने 195 मुल्कों में तबाही मचाई हुई है और हर जगह मतलब इसका खौफ है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ दिन पहले सऊदी गवर्नमेंट ने उमरा बंद कर दिया था और कुछ दिन पहले हज कैबिनेट के जो हेड हैं उन्होंने कॉन्फ्रेंस में लाइव आके हज के बारे में बताया था कि इस साल हज कैंसिल हो जाएगा। तो जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो किसी भी रिहाइश का या ट्रांसपोर्ट वालों के साथ मुआहदे ना करें, यानी एग्रीमेंट ना करें। लेकिन कल उर्दू पॉइंट जो कि एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा पेज है और यूट्यूब चैनल भी है, उन्होंने ये आर्टिकल डाला है जिसके मुताबिक इस साल भी हज होगा। उन्होंने ये बताया कि इस साल हज कोरोना वायरस फ्री हज होगा। इसका मतलब ये कह रहा है हजी के पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, दूसरी बात वो कोरोना वायरस फ्री होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जहाज में जब हाजी सवार होने लगेगा उससे पहले भी उसका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद जब वो उतरेगा तब भी उसका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। जिस बंदे के टेस्ट नेगेटिव आए उन्हीं को खाली हज अलाउट किया जाएगा। इसके अलावा हज ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जो हेड हैं साद रफीक, उन्होंने बताया कि सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान और कई ममालिक को ट्रांसपोर्ट और रिहाइश गाहों के एग्रीमेंट करने से मना किया था क्योंकि वो खुद ही हालात को मद्देनजर रखते हुए हाजियों को ट्रांसपोर्ट देंगे रिहाइश गाहों तक, उनकी मतलब उनके होटल्स तक, खुद ही जो बसेस वगैरह होती है उनका इंतजाम करेंगे। ज्यादा वो इसलिए किया गया कि अगर किसी में कोरोना वायरस फिर भी है और उसके टेस्ट नेगेटिव आ जाते हैं, क्योंकि ये मशीन्स चेक करती हैं तो इसमें कुछ भी हो सकता है, तो फिर भी अगर वो नेगेटिव आने के बाद हज करने के लिए अलाउड कर दिया जाता है तो किसी बस में जाता है, तो ऐसी बसेस होंगी जिसमें मिनिमम चांस हो उसके पेशेंट से दूसरे लोगों को कोरोना वायरस लगने के। तो यही थी कुछ चीज़ें जिसके बारे में मैंने आपसे आज बात करनी थी। अच्छा, लास्ट में एक बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे र्यूमर्स फैल चुके हैं पूरे पाकिस्तान में और कई मुस्लिम ममालिक में कि तवाफ रुक चुका है बैतुल्लाह का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि तवाफ नहीं रुका, सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर जारी है तवाफ अभी भी। खाली बैतुल्लाह के करीब इसलिए रोका गया है कि ताकि कोरोना वायरस ना फैल सके। इससे पहले बहुत दफ़ा तवाफ रुक चुका है, इस बार तो रुका नहीं है, सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर जारी है, लेकिन इससे पहले कंप्लीट रुक भी चुका है जब इससे पहले हेजा की बीमारी आई थी और एक दफ़ा जब ब्लैक स्टोन चोरी हो गया था। तो कुछ लोगों ने तवाफ के रुकने को कयामत की निशानी करार देना शुरू कर दिया है। हाँ, ये कयामत की निशानी है लेकिन तवाफ अभी जारी है। सो प्लीज़ ये गलत बातें मत फैलाएं। हो सकता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।